इधर ध्यान दीजिए रेक्टिफायर, आज हम लोग पढ़ेंगे रेक्टिफायर एप्लीकेशन ऑफ डायोड, पीएन जंक्शन डायोड कल हम स्टडी कर चुके थे प्रीवियस क्लास में, आज हम लोगों की क्लास है रेक्टिफायर उसका एप्लीकेशन कि डायोड का एप्लीकेशन कहां हम करते हैं। तो आंसर हमको डायोड की बहुत जगह आवश्यकता पड़ती है, जैसे हमको अपना मोबाइल चार्ज करना है तो मोबाइल के अंदर बैटरी लगी हुई है और बैटरी 6 वोल्ट 5 वोल्ट की है और वो बैटरी डीसी से चार्ज होती है, एसी से चार्ज नहीं होती है, जबकि हमारे घर में एसी सप्लाई हो रही है तो वो एसी से हम इसको चार्ज नहीं कर सकते, राइट। तो हम ये चाहते हैं कि मोबाइल के अंदर एसी हीटर हो, उससे पहले उसको हम कायम कन्वर्ट कर रहे हैं डीसी में, कायम कन्वर्ट कर रहे हैं डीसी में, तो डीसी से हमारा मोबाइल क्या हो सकता है, चार्ज हो सकता है, ठीक है, ओके। और एक प्रॉब्लम ये रहती है कि जब हम एसी से डीसी में चेंज कर रहे हैं, एक बार वो चीज डीसी बन गई तो हम उसके वोल्टेज को कम ज्यादा नहीं कर सकते, क्योंकि वोल्टेज कम ज्यादा हम किसकी कर सकते हैं, एसी की। तो पहले से ही हम कुछ ऐसा अरेंजमेंट करके रखेंगे अपनी मशीन में अपनी डिवाइस में कि पहले से ही हम उसका वोल्टेज क्या कर देंगे, जितना हमको चाहिए उतना वोल्टेज हम उसमें कम कर देंगे। उसके बाद हम अपने ट्रांसफॉर्मर जो भी हम बैटरी चार्ज कर रहे हैं या जो भी चार्ज कर रहे हैं उसमें हम सप्लाई करेंगे, ओके। तो ये एक यूज मैंने आपको बताया डायोड का कि हमको मोबाइल की बैटरी चार्ज करनी है तो हमको क्या करना है, हमको एसी को डीसी में बदलना है, ठीक है। दूसरी चीज, हमको कैपेसिटर, हमारे पास एक कैपेसिटर है संधारित, इसको हमको चार्ज करना है, जब हम इसमें डीसी सप्लाई करते हैं तो चार्ज इसकी प्लेट पर क्या हो जाता है, स्टोर हो जाता है इस तरह से, तो उसके बीच में एक इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हो जाता है तो इसके अंदर भी चार्ज क्या हो जाता है, स्टोरेज हो जाता है। अगर हम एसी देंगे तो ये हाफ साइकिल में चार्ज होगा फिर जीरो हो जाएगा, फिर अगले हाफ साइकिल में फिर चार्ज होगा फिर जीरो हो जाएगा, इस तरह से इसमें वेरिएशन होना स्टार्ट हो जाते हैं और हम नहीं चाहते इसमें ऐसे वेरिएशन हो। तो हमको किसकी नीड है, डीसी की नीड है, ठीक है। तो कुछ ऐसे डिवाइसेस होते हैं जहां पर हमको डीसी क्या होती है, रिक्वायरमेंट होती है, ओके। तो हम डीसी बनाते हैं, तो डीसी हम किस प्रकार बनाएंगे, तो उसके लिए हम एक डिवाइस यूज करेंगे, इसका नाम है रेक्टिफायर। तो रेक्टिफायर क्या है, विच इज अ डिवाइस कन्वर्टिंग एसी इंटू डीसी। तो ये काय को इन्वर्ट करेगा, कन्वर्ट काय करेगा एसी को डीसी में। तो जो डिवाइस हम यूज करेंगे उसका ही नाम क्या है, रेक्टिफायर, ओके। तो इसके लिए हम रेक्टिफिकेशन करते हैं, रेक्टिफिकेशन में काम क्या होगा हमारा, एसी को डीसी में हम कन्वर्ट करेंगे। तो हम कैसे करेंगे उसको देखिए, इसके लिए हम डायोड यूज करते हैं। तो सबसे पहले हम लेते हैं डायोड का यूज, ये हमने डायोड लिया, सर्किट तैयार किया, इस सर्किट में इधर ये दिख रहा है आपको, यहां पर हमने एक सर्किट बनाया, इस सर्किट में हम यहां पर इनपुट एसी वोल्टेज अप्लाई करेंगे जिसको हम इंडिकेट करेंगे वीआई से। वीआई क्या है, इनपुट सप्लाई, इनपुट एसी सप्लाई, ठीक है, निवेशी प्रत्यावर्ती विभव हम यहां से देने वाले हैं, ओके। एक बार ये डीसी में कन्वर्ट हो गया तो हम इसका वोल्टेज चेंज नहीं कर पाएंगे, तो हमने पहले से ही अरेंजमेंट बना के रखा हुआ, एक दूसरी मशीन हमने लगाई, उसका नाम क्या है, ट्रांसफॉर्मर। तो हमने पी क्या है, ट्रांसफॉर्मर, जिसकी कॉइल पी और एस, प्राइमरी कॉइल और सेकेंडरी कॉइल, प्राइमरी कॉइल पर आप एसी सप्लाई देंगे और डीसी प्राइमरी कॉइल पर आपने एसी सप्लाई दिया और वो कम वोल्टेज ज्यादा वोल्टेज के साथ हमको कहां मिलेगा, एस पर मिलेगा। ये ट्रांसफॉर्मर मशीन का काम होता है, दो तरह के ट्रांसफॉर्मर होते हैं, स्टेप डाउन होता है और स्टेप अप होता है। स्टेप अप क्या करता है, वोल्टेज को बढ़ा देता है, स्टेप डाउन क्या करता है, वोल्टेज को कम कर देता है। ऊंचाई ऊंचाई ट्रांसफॉर्मर आप लोगों ने पढ़े, तो कोई भी जो ट्रांसफॉर्मर जिसकी रिक्वायरमेंट हम वो यहाँ फिट कर देंगे, ओके। फिर से तो यहाँ पर हमको क्या करना है, इनपुट एसी वोल्टेज सप्लाई देनी है और ये वोल्टेज सप्लाई देंगे उससे पहले हम यहाँ पर एक मशीन लगाएंगे, इसको हम क्या कहेंगे, टी ट्रांसफॉर्मर। तो टी क्या है, ट्रांसफॉर्मर है, पी और एस इसकी कॉइल्स है, ओके। इसके बाद हमने यहां पर डायोड फिट किया हुआ है, यहां पर डायोड फिट कर दिया, डी डी पी एन जंक्शन डायोड है, ओके। और इसकी कैरेक्टरिस्टिक आप लोग पहले पढ़ चुके हैं, क्या कैरेक्टरिस्टिक है इसकी, मैंने कल बताई थी आपको, दिस इज पी एन जंक्शन डायोड सिंबल पी एन। यदि हमने पी का कनेक्शन प्लस से कर दिया और एन का कनेक्शन नेगेटिव से, तो इसको हम क्या कहते हैं, फॉरवर्ड बाइस, अग्र अभिनति। डायोड की कौन सी अभिनति हो जाएगी, अग्र। पी का कनेक्शन किससे करना है, प्लस से। बस पूरे टॉपिक में आपको यही ध्यान देना है कि कब ये फॉरवर्ड में है और कब ये रिवर्स में है। तो फॉरवर्ड बाइस में ये कौन सा बाइस हो गया, इसका फॉरवर्ड बाइस हो गया,
क्योंकि हमने पी का कनेक्शन कितने कर दिया प्लस से और एन का कनेक्शन कितने कर दिया प्लस से, और इसकी करेक्टरिस्टिक आपने पढ़ी थी कि फॉरवर्ड बायस में ये डायोड करंट अलाउ करेगा, अपने में से करंट जाने देगा तो डायोड करंट फ्लो होगी। ओके, अब यदि हमने इसका कनेक्शन नेगेटिव कर दिया पी का और इसका क्या कर दिया प्लस, तो इसको क्या कहेंगे रिवर्स बायस, और रिवर्स बायस में डायोड करंट को ब्लॉक कर देता है, इंसुलेटर बन जाता है, बहुत थोड़ी सी करंट फ्लो होती है, वो आपको पता है किस कारण की वजह से फ्लो होती है। ओके, एनीवे हम तो ये मान के चलेंगे करंट फ्लो होती ही नहीं है, तो रिवर्स बायस में कोई करंट फ्लो नहीं होती, तो ये करंट को क्या कर देगा ब्लॉक कर देगा। डन, तो दो तरह के बायसेस है बैटरी से कनेक्शन के आधार पर, प्लस से कर दोगे पी का कनेक्शन तो फॉरवर्ड हो जाएगा, अग्रभिनति हो जाएगी पी का कनेक्शन, माइनस से कर दोगे बैटरी के तो रिवर्स बायस हो जाएगी पश्चाभिनति हो जाएगी, अग्र अभिनति यानी कि फॉरवर्ड बायस में करंट फ्लो होगा और रिवर्स बायस में करंट फ्लो नहीं होगा। तो आप इधर आइए, ये हमने डायोड को पुट किया है। ओके, डायोड डी, यहां पर डायोड से कनेक्शन निकाला ये इधर, और इधर हमने क्या लगाया हुआ है लोड रेजिस्टेंस, यहां पर हम लोड लेंगे जो भी हमारा सर्किट है, जिसको भी मोबाइल है, कंडेंसर है, जिसमें भी हमको करंट देनी है वो करंट हमको यहाँ, वो सर्किट हम यहाँ लगा देंगे, उसको हम बोलेंगे लोड रेजिस्टेंस, इसको हम लोड दे रहे हैं। ठीक है, अब काम देखिए वर्किंग किस तरह से इसकी स्टार्ट करते हैं हम लोग। इधर देखिए, सबसे पहले तो हम क्या करेंगे यहाँ पर इनपुट एसी वोल्टेज लगाएंगे, तो इनपुट एसी वोल्टेज के पॉजिटिव हाफ साइकिल में, कौन से साइकिल में पॉजिटिव हाफ साइकिल में, देखिए ये तीसरा होता है जो पॉजिटिव हो जाएगा और बीसरा कैसा हो जाएगा नेगेटिव। फिर से इनपुट एसी वोल्टेज के पॉजिटिव हाफ साइकिल में तीसरा पॉजिटिव और बीसरा कैसा हो जाएगा नेगेटिव। तो अब देखिए ए से कौन कनेक्ट है डायोड का तीसरा, तो पी कहां से कनेक्ट हो गया पॉजिटिव से, और ये एन डायोड से होते हुए कहां से कनेक्ट हो गया नेगेटिव से, तो ये डायोड की कौन सी बाइसिंग है फॉरवर्ड या रिवर्स, फॉरवर्ड बाइसिंग है यानी कि अग्र अभिनति है, और अग्र अभिनति में ये डायोड अपने में से करंट को फ्लो होने देगा, जाने देगा, करंट को अलाउ करेगा, तो यहां से करंट फ्लो होगी, इसको हम क्या कहेंगे इधर ध्यान दीजिए। फिर से हमने इनपुट एसी वोल्टेज लगाया उसके पॉजिटिव हाफ साइकिल में, ध्यान दीजिए केवल ये चीज पकड़नी है, पूरी वर्किंग आप लिख लोगे, इनपुट एसी पॉजिटिव हाफ साइकिल में, पॉजिटिव हाफ साइकिल में ए पॉजिटिव बी नेगेटिव, तो इस सिचुएशन में डायोड डी का तीसरा प्लस से हो जाएगा और एन एंड किससे हो जाएगा नेगेटिव से, तो ये डायोड की कौन सी बाइसिंग है फॉरवर्ड बाइसिंग है, और फॉरवर्ड बाइसिंग में ये करंट को जाने देगा, तो यहां से डायोड करंट फ्लो होती है आईडी। अब ये करंट फ्लो होगी दिस डायरेक्शन, करंट की डायरेक्शन दिस, और करंट हमेशा हायर वोल्टेज से लोअर वोल्टेज की तरफ जाती है, तो दिस पॉइंट ऑल्सो पॉजिटिव पोटेंशियल, दिस पॉइंट नेगेटिव पोटेंशियल, दिस इज लोअर पोटेंशियल, दिस इज हायर पोटेंशियल, करंट विल बी फ्लो हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल, तो यहां से करंट फ्लो होती है कौन सी डायोड द्वारा, तो इस रेजिस्टेंस के स्रोत पर हमको क्या मिल जाएगा आउटपुट डीसी वोल्टेज, डीसी है या नहीं वो अभी चेक कर लेंगे, तो कौन सा वोल्टेज मिला वोल्टेज मिल गया हमको यहां पर, इसको क्या बोलेंगे आउटपुट वोल्टेज। ठीक है, तो हमने इसको लिखा फॉर फर्स्ट हाफ साइकिल ऑफ एसी, किसके हाफ साइकिल में एसी के हाफ साइकिल में ए इज पॉजिटिव, एसरा कैसा होता है पॉजिटिव, बीसरा कैसा होता है नेगेटिव, इस सिचुएशन में करंट अलाउ करेगा, करंट की डायरेक्शन क्या होगी ए, अगर आप लेना चाहते हो तो डी भी ले सकते हो, नहीं लेना चाहते कोई दिक्कत नहीं है, ए एम ले लेते हैं, चलो पूरा सर्किट कंप्लीट हो जाएगा, कहा है डायरेक्शन देखिए ए, ए से डी गई, डी से एम में गई, और एम से एन, और वापस कहा गई बी में, ये सर्किट कंप्लीट हो गया, ये करंट फ्लो हो रही है इस पे, किस साइकिल में करंट फ्लो हुई पॉजिटिव, तो हमने लगाया कैसा था यहां पर पॉजिटिव, और यहां पर हमको पॉजिटिव साइकिल में करंट दिखती है दिस पे। ठीक, अब इसके बाद एसी की फ्रिक्वेंसी चेंज हो गई तो वोल्टेज चेंज हो जाएगा, तो अब नेगेटिव साइकिल हमको मिलने वाला है यहां पर, तो नेगेटिव साइकिल में क्या होगा देखिए, नेगेटिव साइकिल में ये हमने नेगेटिव साइकिल दिया, तो अब
इनपुट एसी वोल्टेज के नेगेटिव हाफ साइकिल में। ए का कनेक्शन किससे हो गया? नेगेटिव से। बी का कनेक्शन किससे हो गया? पॉजिटिव से। सो डायोड पी एंड किससे कनेक्ट है? नेगेटिव से। एन एंड किससे कनेक्ट है? पॉजिटिव से। तो ये डायोड की कौन सी बाइसिंग है? रिवर्स बाइसिंग है। तो रिवर्स बाइसिंग में डायोड से करंट फ्लो नहीं होगी। सो डू नॉट अलाउ करंट दिस डायोड। तो करंट इससे कोई करंट फ्लो नहीं होगी। और अगर करंट फ्लो नहीं होगी तो लोड रेजिस्टेंस के सिरों पर कोई वोल्टेज नहीं आएगा। तो हमको ये दिखता है, ये जीरो वोल्टेज। कितना वोल्टेज? जीरो। हाँ, हम कहते हैं कि रिवर्स बाइसिंग में माइनॉरिटी चार्जेस के कारण, अल्पसंख्यक आवेश वाहकों के कारण थोड़ी बहुत करंट फ्लो होती है, लेकिन हमने उसको नेग्लेक्ट कर लिया कि वो करंट है ही नहीं, ठीक है, क्योंकि वो माइक्रो एम्पियर में होता है। ओके, तो हमने क्या देखा? नेगेटिव हाफ साइकिल में इससे कोई करंट फ्लो नहीं होती, राइट। तो अब इसको हमने लिख दिया फॉर सेकेंड हाफ साइकिल बी इज पॉजिटिव। तो बी कैसा हो गया? पॉजिटिव। और ए कैसा हो गया? नेगेटिव। तो दिस इज रिवर्स बाइसिंग। ये कौन सी बाइसिंग कहलाएगी डायोड की? रिवर्स। तो करंट नॉट अलाउड, हेल्प इन एवरी साइकिल करंट पास इन डायरेक्शन ए डी एम बी ओनली। फिर से अब देखिए, अब अगला जो पॉजिटिव हाफ साइकिल आएगा, अगला पॉजिटिव हाफ साइकिल आएगा, तो डायोड किस पर हो जाएगा? पॉजिटिव पर। तीसरा पॉजिटिव पर, और एंसरा किस पर हो जाएगा? नेगेटिव। सो अगेन करंट अलाउ दिस डायरेक्शन ए डी एम एंड बी। तो फिर से रेजिस्टेंस से होगा करंट फ्लो होगी, वोल्टेज क्रिएट होगा, आउटपुट वोल्टेज दिस वे। लेकिन इसकी डायरेक्शन कौन सी है? तो आंसर है ए डी एम एंड बी, यही डायरेक्शन तो है। और फिर जैसे ही नेगेटिव हाफ साइकिल आता है, हम क्या देखते हैं? करंट फ्लो होना क्या हो जाती है? बंद हो जाती है। तो अब यहां पर लोड रेजिस्टेंस पर हमको एक कंप्लीट एसी के एक कंप्लीट साइकिल में, केवल पॉजिटिव साइकिल में ही हमको वोल्टेज दिख रहा है, लेकिन नेगेटिव साइकिल में वोल्टेज जीरो हो गया, फिर पॉजिटिव में वोल्टेज दिखा, फिर नेगेटिव में जीरो हो गया। इसलिए इसका नाम क्या है? हाफ वेव रेक्टिफायर, क्योंकि ये हाफ साइकिल में ही हमको क्या देता है? वोल्टेज देता है, अगले हाफ साइकिल में वोल्टेज नहीं देता। इसलिए इसका हम लोगों ने नाम क्या रखा है? हाफ वेव रेक्टिफायर। लेकिन एक चीज हमने नोटिस की इसमें, जो हमारी रिक्वायरमेंट है, रिक्वायरमेंट किसकी है? डीसी की। और डीसी की डायरेक्शन चेंज नहीं होती, वो एक ही डायरेक्शन में रहती है। तो हमने देखा लगातार इसकी डायरेक्शन कैसी है? एम टू एन, एम टू एन, एम टू एन। इसलिए हमको करंट देखिए पॉजिटिव वोल्टेज में ही दिख रही है, लेकिन नेगेटिव वोल्टेज में कोई करंट नहीं दिख रही। ओके, बेसिकली हम अपने डिवाइसेस में हाफ वेव रेक्टिफायर का यूज नहीं करते, हम किसका यूज करते हैं? फुल वेव रेक्टिफायर का, क्योंकि हमको लगातार वोल्टेज चाहिए। वोल्टेज आई फिर बंद हो गई, ये हमारी किसी मतलब की रहती। लेकिन ये वाला जो प्रिंसिपल, ये जो चीज है, ये जो डिवाइस हमने बनाया है, ये हमको प्रिंसिपल देता है कि डायोड किस तरह से व्यवहार करता है। और इस प्रिंसिपल को पढ़कर हम क्या बना सकते हैं? फुल वेव रेक्टिफायर। तो आप उसको देखिए, फुल वेव रेक्टिफायर क्या होता है, इधर ध्यान दीजिए। फुल वेव रेक्टिफायर में आपको कंटिन्यू वोल्टेज चाहिए, तो आप क्या करेंगे? एक डायोड की बजाय दो डायोड यूज करेंगे, वन और टू। एक का नाम हम लोगों ने क्या रख दिया? डी वन। और एक का नाम रख दिया हमने डी टू। अब देखिए कनेक्शन और सर्किट कैसे बनाएंगे, पहले इसको समझ लेते हैं। इसको इधर देखिए, देखिए इधर हमने क्या सप्लाई किया हुआ है? इनपुट एसी वोल्टेज। ये कौन सा वोल्टेज है? इनपुट एसी वोल्टेज वी आई। यहां पे हमको एसी सप्लाई मिली, और एसी सप्लाई का वोल्टेज कम ज्यादा करने के लिए हमने रास्ते में क्या लगा दिया? एक दूसरी मशीन लगाई, जिसको हम क्या कहेंगे? ट्रांसफार्मर, जिसकी प्राइमरी कॉइल पी है और सेकेंडरी कॉइल क्या है? एस है। अब हम यहां पर एक काम करते हैं, यह काम क्या करते हैं, इसका जो सेकेंडरी कॉइल होता है, सेकेंडरी कॉइल को यहां पर एक तार से सेंटर टेपिंग किया हुआ है। सेंटर टेपिंग का मतलब, सेंटर टेप का मतलब नल चालू करना। नल चालू कर देंगे तो पानी निकलेगा, वैसे करंट निकलेगी, करंट जाएगी इस तरह से। तो ये यहां से हमने एक कनेक्शन लिया इधर से, और उस कनेक्शन में हम अपना रेजिस्टेंस वगैरह लगाएंगे। फिर से अब देखिए, यहां पर हमने एक डायरेक्ट कनेक्शन किया डी वन, और ये कनेक्शन हमने निकाला लाइक दिस।
और फिर बीच में हमने यहां के लिए कनेक्शन निकाला, एक डायोड यहां पर लगा दिया और इन दोनों के तार को शॉर्ट कर दिया, शॉर्ट हो गए आपस में कनेक्ट कर दिया। तो उसके लिए हमने बीच में से क्या किया, यहां से सेंटर टेप किया हुआ एक कॉपर का वायर ले लिया, सेंटर टेप के लिए कनेक्शन निकाला, इसके बीच में दो एंड निकाले, यहां पर हम वोल्टेज मिलेगी हमको। देखिए यहां से करंट आएगी ये लाइक दिस, इसमें एंटर करेगी और यहां मिल जाएगी। ओके यहां से करंट जाएगी तो फिर से इसमें एंटर करेगी फिर यहां मिल जाएगी इस तरह से। ओके तो ये हमारा कौन सा रजिस्टर होता है, लोड रजिस्टर। अभी आगे की बात नहीं करते हैं, अब इधर ध्यान दीजिए फिर पे, ये देखिए कनेक्शन ये गया यहां से, जैसे कि मान लीजिए जिस समय ये हायर वोल्टेज पर होगा ठीक है, तो ये लोअर पर होगा तो ये सी कहां पर होगा, तो आंसर है सी इससे ज्यादा हायर पर होगा ठीक है। अब इसको स्टार्ट करते हैं तो थोड़ा अच्छे से समझ में आएगा आपको। अब देखिए फिर से, अब हम क्या करेंगे, इनपुट एसी वोल्टेज के पॉजिटिव हाफ साइकिल में ये इनपुट हमने लगाया दिस हियर, यहां पर हमने क्या लगाया है इनपुट सप्लाई, तो ये हमने पॉजिटिव साइकिल दिया, पॉजिटिव साइकिल देंगे तो देखिए ए एंड किस पर आ गया प्लस और बी एंड कहां पर आ गया माइनस। सो इनपुट एसी वोल्टेज के पॉजिटिव हाफ साइकिल में माना है, हाँ जी, तो ये पॉजिटिव हाफ साइकिल में ए का कनेक्शन किससे हो गया प्लस से और बी का कनेक्शन किससे हो गया माइनस से, तो दिस इज लोअर पोटेंशियल दिस इज हायर पोटेंशियल। सो डायोड डी वन का पी एंड हायर पोटेंशियल पर और एन एंड लोअर पोटेंशियल पर, बट डायोड डी टू की क्या कंडीशन है, तो आंसर है डायोड डी टू का पी सरा लोअर पोटेंशियल और एन सरा हायर पोटेंशियल, तो दिस इज फॉरवर्ड बाइस। दिस इज रिवर्स बाइसिंग, सो ये फॉरवर्ड बाइसिंग पे है ये रिवर्स बाइसिंग पर है, तो ये करंट को अलाउ करेगा, यानी कि इसमें से करंट डायोड करंट फ्लो होगी दिस डायरेक्शन, बट ये इसमें से करंट को अलाउ नहीं करेगा, नो करंट, अगर ये करंट को जाने ही नहीं देगा तो करंट यहां पर जाएगी ही नहीं जाएगी। तो अब देखिए ये लोअर पोटेंशियल है, सी की क्या रिक्वायरमेंट है, सी की क्या पोजीशन है, तो आंसर है सी का वोल्टेज इससे ज्यादा है, जैसे ये हायर हो गया तो लोअर ये हो गया, इससे ज्यादा वोल्टेज किसका होगा सी का, लेकिन लोअर है तो करंट हमेशा हायर की तरफ फ्लो होगी लोअर की तरफ फ्लो होगी ठीक है। तो आप देखिए सर्किट पर करंट कैसे फ्लो होगी, तो ध्यान दीजिए ये करंट गई और यहां से इंटर करेगी कहां से दिस पे, यहां से ये इंटर करती है और ये इसके अंदर इंटर करेगी रेजिस्टर के अंदर इंटर करके एन में आ गई और एन से कहां चली गई सेंटर टेप हो गई, तो ये सर्किट कंप्लीट हो गया, करंट ऐसे फ्लो होती है, इस करंट को आप यहां से निकल सकते हो रेजिस्टेंस एंड निकाल कर। ओके तो ये करंट इसमें गई, अब देखिए पॉजिटिव हाफ साइकिल में हमको इस लोड रेजिस्टेंस के एंड पर क्या मिलने वाला है आउटपुट वोल्टेज, ये मिला लेकिन दिया किसने, ये इस समय वर्क कौन सा डायोड कर रहा था डी वन, डी टू तो नहीं कर रहा था, तो हमको प्लस में डी वन के रिस्पेक्ट में हमको वोल्टेज मिलता है। अब आगे की बात सुनिए, इसको पहले लिख लेते हैं, देखिए फॉर फर्स्ट हाफ साइकिल ऑफ इनपुट एसी में ए एंड किससे कनेक्ट है पॉजिटिव से, बी एंड किससे कनेक्ट है नेगेटिव से, सो डी वन इज फॉरवर्ड वाइज एंड डी टू इज रिवर्स वाइज, सो ओनली पाथ फॉर करंट इज ए डी वन एम एन एफ सी, ये करंट इस तरह से इसमें क्या हो गई फ्लो हो गई, ये लिख दिया हमने। ओके ये आधी वर्किंग हो गई, अब आगे की बात सुनिए, अब अगले नेगेटिव हाफ साइकिल में, नेगेटिव हाफ साइकिल में अब देखिए नेगेटिव हाफ साइकिल में क्या होगा, जंक्शन को वोल्टेज मिलती है नेगेटिव और ये वोल्टेज हो गई पॉजिटिव, तो अब देखिए पोजीशन, डायोड डी वन का पीसरा नेगेटिव डायोड डी टू का पीसरा पॉजिटिव, सो दिस इज फॉरवर्ड वाइज, ये क्या हो गया फॉरवर्ड वाइज में हो गया और ये क्या हो गया रिवर्स वाइज में हो गया राइट, तो ये फॉरवर्ड में है ये रिवर्स में है, तो अब ये अपने में से करंट को अलाउ करेगा बट ये अपने में से करंट को अलाउ नहीं करेगा,
तो अब हम क्या देखते हैं, करंट पी से एन हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल, तो करंट ऐसे फ्लो होगी, दिस इज आईडी। अब देखिए ये करंट गई यहां से, ये फिर से एम में एंटर कर रही है, कहां पर एंटर कर रही है एम में, और फिर रेजिस्टेंस होते हुए कहां पर गई एन पे, और एन से कहां पे हो गई सेंटर पे, ये सर्किट कंप्लीट हो गया दिस पे। अब इस सर्किट में करंट फ्लो हो रही है, ठीक है। तो हमको पॉजिटिव हाफ साइकिल में करंट देता है डी वन, नेगेटिव हाफ साइकिल में फिर से करंट मिलती है हमको, लेकिन देता कौन है डी टू। इस तरह से एसी के एक कंप्लीट साइकिल में हमको लगातार एनर्जी मिलती है, कभी डी वन के कारण मिलती है, कभी डी टू के कारण मिलती है, बीच में कटती नहीं है, हर साइकिल में आपको वोल्टेज मिलती रहती है। तो ऐसे वाले रेक्टिफायर को क्या कहते हैं, फुल वेव रेक्टिफायर, जिसकी कंप्लीट साइकिल में आपको क्या मिलने वाली है, वोल्टेज मिलने वाली है, ठीक है ओके। अब अगली चीज इसको पहले लिख लेते हैं, फॉर सेकेंड हाफ साइकिल वी इज पॉजिटिव, वी इज पॉजिटिव एंड ए इज नेगेटिव, डी टू इज एन फॉरवर्ड बायस, डी टू कौन सी बायस में आ गया फॉरवर्ड, एंड डी वन इज, डी वन इज रिवर्स बायस, करंट फ्लो थ्रो कहां पे बी डी टू एम एम सी, दिस वे एम से एन। हम ये लोकेशन देखना चाहते हैं, इस लोकेशन पर हमको करंट की रिक्वायरमेंट है, और उस लोकेशन पर करंट हमको एक डायरेक्शन में चाहिए, क्योंकि हम डीसी करंट का यूज करना चाहते हैं, डीसी वोल्टेज का यूज करना चाहते हैं, और डीसी वोल्टेज में डायरेक्शन चेंज नहीं होनी चाहिए। तो अगर पिछले साइकिल में एम टू एन थी, तो अगले साइकिल में भी कितनी होनी चाहिए, एम टू एन, चाहे पॉजिटिव साइकिल है चाहे नेगेटिव साइकिल है। सो फिर से हमको एम से एन ही करंट मिलती है। सो आगे द डायरेक्शन ऑफ करंट इज ऑलवेज एम टू एन, राइट, देख लीजिए एम टू एन, इस केस में भी एम टू एन, इस केस में भी एम टू एन, ओके। दैट इज एम इज ऑलवेज एट हायर पोटेंशियल, तो एम हमेशा कौन से पोटेंशियल पर रहेगा, हायर पर, और एन हमेशा कौन से पोटेंशियल पर रहेगा, लोअर पर, ओके। एम इज ऑलवेज एट हायर पोटेंशियल, हेंस द करंट हैज बिकम यूनिडायरेक्शनल। तो ये वाली जो करंट होती है वो कौन सी करंट होती है, यूनिडायरेक्शनल करंट होती है, फुल स्टॉप। नाउ इट इज पास्ड थ्रू अ फिल्टर डिवाइस। अब देखिए आगे की बात, अब हमने मान लीजिए ये जो रेजिस्टेंस है, हमने मान लीजिए यहां नहीं लगाया, मान लीजिए यहां रखा ही नहीं है रेजिस्टेंस, ओके, तो यहां से हमने गायब कर दिया, तो हमारे पास दो पोटेंशियल निकल रहा है इस सर्किट में से, एक हायर पोटेंशियल और एक लोअर पोटेंशियल। अभी के लिए मैं इसको गायब कर देता हूं, चलो ये है ही नहीं। अब आपके पास दो कनेक्शन है सर्किट में, कितने कनेक्शन है, दो, एक का पोटेंशियल कैसा है नेगेटिव और एक का पोटेंशियल कैसा है पॉजिटिव। अब यहां से हमने दो वायर्स निकाली अपने सर्किट में, ये वायर निकाली, ये ऐसे निकालते हुए टच करते हुए ये हम ले गए, ये वायर निकाली ये टच करते हुए हम ले गए। अब इस जगह पर हमने अपना रेजिस्टेंस लगाया, यहां पर दिस इज लोड रेजिस्टेंस, यहां पर आपको जो सप्लाई मिलेगी एम ऑलवेज पॉजिटिव है एन ऑलवेज नेगेटिव है, तो करंट की डायरेक्शन तो यही रहेगी, और करंट कौन सी फ्लो हो रही है आईडी, लगातार करंट मिल रही है एक ही डायरेक्शन में, तो लोड रेजिस्टेंस के स्रोत पर जो वोल्टेज आपको मिलने वाला है वो एसी होगा या डीसी, तो आंसर एसी वोल्टेज होगा, करंट भी, सॉरी डीसी वोल्टेज होगा, करंट भी कैसी होगी, डीसी होगी। अब इसका हमने ग्राफ बनाया, और ग्राफ बनाया तो इस तरह से हमको ये ग्राफ मिलता है, डी वन डी टू इस तरह। अब आपको एक ही डायरेक्शन में जो करंट मिल रही है, अब आप अपना यहां पर मोबाइल लगा सकते हैं, कैपेसिटर लगा सकते हैं, जो भी आपकी मशीन है उसको आप लगा सकते हैं, क्योंकि एक ही डायरेक्शन में आपको करंट मिलती है। तो इस तरह से हमने एसी को कन्वर्ट कर लिया डीसी में। लेकिन अब अगली चीज हम सोचते हैं इसमें, अगली चीज ये आती है कि ये यहां पर जो हमको करंट मिल रही है, वोल्टेज मिल रही है, वो यूनिडायरेक्शनल वोल्टेज तो है, यूनिडायरेक्शनल करंट तो है, लेकिन वेरिएबल है, वेरिएबल, क्योंकि हम लोगों ने डीसी का ग्राफ पढ़ा हुआ है, डीसी का कैरेक्टरिस्टिक पढ़ा हुआ है, दिस वे एवरी टाइम सेम वोल्टेज चेंज हुआ क्या, एवरी टाइम सेम डायरेक्शन, तो ये किसका ग्राफ होता है डीसी का, और ये किसका ग्राफ होता है एसी का। लेकिन अब एक दूसरे तरह का ग्राफ भी हमको देखने को मिलता है दिस वे। अभी आपने ये लाइन खींची है तो आपको लग रहा है कि ये डायरेक्शन एक ही डायरेक्शन में चल रहा है, जैसे मैंने अभी आपको बताया जब हमने प्लस दिया था तो ए से बी करंट फ्लो होगी, तो
तो ए से बी प्लस डायरेक्शन में करंट फ्लो होती है, ध्यान से देखिए। और जब हम माइनस देते हैं तो करंट बी से ए की डायरेक्शन में फ्लो होती है। ओके, इसके अनुसार हमको ये मिलता है, तो इसमें करंट की डायरेक्शन कैसी होगी? तो हमने देखा कि जब ये वाली सिचुएशन होती है तो करंट की डायरेक्शन क्या होती है, एम टू एन, एम से लेकर एन, लेकिन ये वाली डायरेक्शन में एन टू एम होनी चाहिए, लेकिन ये वाली डायरेक्शन में वोल्टेज आता ही नहीं है, नहीं आता तो एक ही डायरेक्शन में आया। तो हमको ये लगता है कि इसकी डायरेक्शन तो एक है लेकिन इसका जो मैग्नीट्यूड है वो वेरिएबल है। कैसे, देखिए, अगर मैं यहां पे एक लाइन खींचता हूं, ये मैंने लाइन खींची, पहले बेस लाइन मैंने यहां पर रखी है, अब मैंने बेस लाइन यहां रख दी, तो अब देखिए ये करंट बड़ी मैक्सिमम हो गई और मैक्सिमम होकर जीरो हो गई, इस लाइन के ऊपर गई और नीचे गई, फिर मैक्सिमम हुई फिर जीरो हो गई। तो अभी भी ये करंट कैसी है, एसी ही है। इसका नेचर कैसा है, एसी, भले ही डायरेक्शन एक कर दी हमने डायोड लगाकर, लेकिन अभी भी ये कैसा है, एसी है, एसी नेचर वाली करंट है एक डायरेक्शन की। तो हम इसको प्योर डीसी में कन्वर्ट करना चाहते हैं, तो उसके लिए हम फिल्टर सर्किट लगाते हैं, छल्ली, छल्ली कोई तो बोलते हैं फिल्टर सर्किट, तो हमने छल्ली लगा दी। तो छल्ली के लिए हम जो इलेक्ट्रिकल डिवाइस यहां पर यूज करेंगे उसको बोलते हैं कैपेसिटर। तो अब देखिए, अब लोड रेजिस्टेंस को हम यहां नहीं लगाएंगे, यहां पर हम लोड रेजिस्टेंस को नहीं लगाएंगे, उसके रास्ते में यहां पर हम कैपेसिटर फिट कर देंगे। कैपेसिटर ही फिल्टर करता है, किसको, एसी को डीसी, मतलब फिल्टर करेगा एसी को। तो आपने कैरेक्टरिस्टिक किस, फिर से कैपेसिटर काय का काम करेगा, फिल्टर सर्किट का काम करेगा। आपने इसकी एक कैरेक्टरिस्टिक पढ़ी है कैपेसिटर की एसी वाले चैप्टर में, कि कैपेसिटर संधारित्र एसी को अलाउ करेगा डीसी को ब्लॉक कर देगा। हमने डेरिवेशन करके देखा था जो फॉर्मूले आए थे उनके बेसिस पर, क्या आपको पता है फॉर्मूला काई सी कितना होता है, 1/ω c, और काई एल कितना होता है, ω L, राइट। तो कैपेसिटर इसके अनुसार क्या होता है, चेंज होता है, ये हमने पढ़ा था वहां पर उस समय। ओके, एनीवे अब दोबारा से इसको डिस्कस नहीं करेंगे, तो आपको पहले से ही पता है कि कैपेसिटर एसी को अलाउ करेगा डीसी को ब्लॉक कर देगा। तो अब देखिए यहां से वेरिएबल यूनिडायरेक्शनल एक ही दिशा वाली परिवर्ती एसी आ रही है, तो एसी को तो ये जाने देगा, एसी को जाने देगा, देखिए एसी आई, ये गई इसमें से, ये सेंटर प्लेन में पहुंच गई, नल के अंदर पहुंच गई, नल से पानी बाहर निकल रहा, नल के अंदर ही चला जा रहा है, सर्किट कंप्लीट है। ओके, तो अब ये एसी को तो जाने देगा, लेकिन इसके साथ आ कौन सी रही थी, डीसी भी, तो अब किसको रोक देगा, ये डीसी को। तो अब इसने डीसी को ब्लॉक कर दिया फिल्टर सर्किट ने और एसी को जाने दिया। तो अब हमको यहां पर जो एंड पर जो करंट मिलेगी वो कौन सा नेचर वाली होगी, यूनिडायरेक्शन, तो उसका नेचर कैसा होगा, दिस। तो अब लोड रेजिस्टेंस के स्रोत पर हमको लगातार एक ही वोल्टेज एक ही डायरेक्शन वाली करंट मिलती है, इसको हम क्या कहते हैं, डीसी। ये आपने एक छोटे से प्रिंसिपल के बेसिस पर समझा कि हमने कंडेंसर लगाया, कंडेंसर एसी को जाने देता है डीसी को ब्लॉक कर देता है, ये आपको समझ में आ गया। अब इसका दूसरा फीचर देखिए, टाइम पीरियड के आधार पर, अब इसको जरा समझिए ध्यान से समझना सभी लोग। इधर देखिए, यहां से करंट आ रही है, इधर देखना ध्यान से, ये करंट आई, वोल्टेज क्रिएट हुआ, तो जैसे करंट आएगी करंट ये चार्जेस फिलअप हो जाएंगे इसके अंदर, और बाय इंडक्शन मेथड से नेगेटिव चार्ज, सो इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएटेड दिस वे, दिस डायरेक्शन टू दिस डायरेक्शन, तो इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया। ओके, मान लीजिए यहां से 100 चार्जेस आ रहे हैं, तो 100 ही इसके अंदर भर गए, 100 इसके अंदर भर गए, और ये डीसी को ब्लॉक कर देता है, एसी को जाने देता है, और अब यहां पर 100 भर चुके हैं वही एसी वाले, ठीक है। ओके, तो यहां से जो वोल्टेज आ रहा था 100, और इसमें भी 100 चार्जेस फिलअप हो चुके हैं, तो यहां पर हमको कितना वोल्टेज मिलेगा, 100, देखिए ये 100 वोल्टेज मिला, कितना वोल्टेज मिला, 100। ओके, उसके बाद फिर से ध्यान दीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, पकड़ने की कोशिश करिए, यहां से ये वोल्टेज आया 100 चार्जेस में फिलअप हो गए, तो अभी इस जगह पर वोल्टेज कितना है, 100, एग्जाम्पल दे रहा हूं। थोड़ी देर बाद जब ये करंट इसमें से निकल जाएगी तो ये कितना हो जाएगा, 0। क्या ये कंडेंसर डिस्चार्ज हो जाएगा उस समय, तो आंसर है कंडेंसर को डिस्चार्ज होने में थोड़ा वक्त लगता है, तो अभी उसमें 100 चार्जेस आए हैं, 100 से 99 होंगे, 98 होंगे, 97 होंगे, तो टाइम लगेगा,
तो टाइम लगता है। तो जब ये वाली करंट जीरो हो गई है तो उस समय इसके अंदर कितने चार्जेस है 100, वो करंट को फ्लो करा देते हैं। तो वो इसके स्रो पर वोल्टेज कितना बना के रखते हैं 100। तो ये वोल्टेज हमको कितनी मिल जाती है, पहले 100 आई, ये 100 वोल्टेज हमको मिल गई, ठीक है 100। ओके, जैसे ही इसका चार्ज 100 से 99 होगा तो थोड़ा सा वोल्टेज तो कम होगा ना फिर से। तो स्टार्टिंग में तो ये हमको 100 मिला, कब 100 मिला, जब यहां से करंट आती है, यहां से सप्लाई आती है तो वो हमको 100 वोल्टेज करके देकर जाती है, ठीक है। उसके बाद जब वो सप्लाई चली जाती है, ये डिस्चार्ज होता है, तो 100 से ये 99 हुआ, तो उस समय इसकी वोल्टेज कम हो गई, वोल्टेज कम हो गई। अब वोल्टेज कम हुई और डिस्चार्ज हो, उससे पहले सप्लाई आ जाती है, सप्लाई आ जाती है तो फिर से इसका वोल्टेज कितना हो जाता है 100, इसका वोल्टेज कितना हो जाता है 100। ये 99 हुआ, 99 से 98 होने में टाइम लगेगा, उससे पहले क्या आ गई, सप्लाई आ गई, तो फिर से सप्लाई ने इसको कितना कर दिया 100। अब वो सप्लाई फिर से जीरो हो गई, जीरो होने के बाद, जीरो होने के बाद जब वो सप्लाई आती है 100 भी करती है और साथ में इसके जो चार्जेस 99 हो चुके थे उसको 100 भी कर देती है। तो ये दोबारा से इसकी थ्रो पर कितना वोल्टेज बना देगा 100 बना देगा। अब वो सप्लाई जीरो हो चुकी है तो अब जिसमें से चार्ज जाएगा तो उसका वोल्टेज कम होगी, तो ये वोल्टेज कम होगी, फिर सप्लाई आई फिर 100 हो गया, फिर सप्लाई आई चली गई फिर कम हो गया। इस तरह से ये जो क्लियर कट हमको लाइन मिलती है दिस, ये लाइन ऐसी नहीं होती है, ये लाइन इस तरह से होती है, क्योंकि आपको भी पता है कि जब सप्लाई आएगी तो फुल चार्जेस है, वोल्टेज सेम मिलेगी, लेकिन सप्लाई चली जाएगी तो कंडेंसर डिस्चार्ज होगा तो उतनी वोल्टेज वो नहीं दे पाएगा, तो थोड़ा बहुत एक दो वोल्ट का अंतर आएगा, एक दो वोल्ट का अंतर आएगा तो वो कम ज्यादा हो सकता है, लेकिन जितने टाइम में वो पूरा ही कम हो जाए उससे पहले तो सप्लाई आ जाती है, क्योंकि इसकी आपको फ्रीक्वेंसी पता है 50 CBSE, एक सेकंड में 50 बार, तो इतनी जल्दी जल्दी ये काम होता है, ये बात समझ में आ गई। इसलिए हमको ये सप्लाई कैसी दिखती है, एक जैसी, ठीक है। तो अब यहां पर हमको जो करंट वोल्टेज मिल रही है वो यूनिडायरेक्शनल है और नॉन वेरिएबल है, अब वो वेरिएबल नहीं है, थोड़े बहुत वेरिएबल तो होंगे, ठीक है, लेकिन उन वेरिएबल को भी हमने किससे खत्म कर दिया, ये फिल्टर सर्किट लगाकर। तो ये वाला जो एरिया है ये कौन सा एरिया है, फिल्टर सर्किट, तो इससे हमने उसको फिल्ट किया, जो परिवर्ती डीसी आ रही थी एसी ही के रूप में आ रही थी उसको हमने फिल्ट करके कन्फर्म क्लाइमेट चेंज कर दिया डीसी में। तो ये फुल वेव रेक्टिफायर का काम होता है, जो हमको डीसी बनाकर देगा, एक पर्टिकुलर वोल्टेज की बनाकर देगा, और इसको हम मशीनों में यूज करके अपना वर्क करते हैं, ठीक है, ओके, थैंक यू।